क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारे पूर्वज बंदर थे और हम बंदर से विकसित हुए हैं तो आज के बंदर इंसान क्यों नहीं बनते? अगर इंसान के डीएनए को बंदर से मिलाया जाए तो 93% मैच होता है, जबकि चिंपैंजी से मिलाया जाए तो 99% मैच होता है। लेकिन इंसान पूरी तरह से न ही बंदर से बना है और न ही चिंपैंजी से बना है। एक रिपोर्ट के अनुसार इंसान और चिंपैंजी होमिनिडाई सोर्स से एक ही साथ विकसित होना शुरू हुए थे। होमिनिडाई प्रजाति हमारे पूर्वज थे जो शरीर से बंदर की तरह थे और वे पेड़ों पर रहकर फल और पत्तियां खाते थे, लेकिन इनकी शरीर की बनावट कैसी थी ये कोई नहीं जानता। आगे चलकर ये दो भागों में विकसित हुए, जिनमें से कुछ पेड़ों पर रहना चाहते थे तो कुछ ने पेड़ों से उतरकर चलना शुरू किया। जो पेड़ों पर रहना चाहते थे उनमें तो कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन जो चलने लगे वे दो भागों में बट गए, होमिनी और होमो सेपियंस। ये होमिनी आगे चलकर चिंपैंजी बने और होमो सेपियंस चलना शुरू किए, शिकार करना शुरू किए, और इनका कोई शिकार न करे इसलिए इन्होंने कॉलोनी बनाई और एक साथ रहना शुरू किया और आज वे इंसान कहलाते हैं। तो इसका साफ साफ आंसर है कि आज के बंदर और चिंपैंजी कभी इंसान नहीं बन सकते।